Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab Heather. Today we are discussing how to apply PAN. जैसा कि आप सभी को पता है, PAN आज की नीड है. आप बैंक में जाएं, कोई भी ट्रांजेक्शन करें, आप अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, आप ITR रिटर्न करना चाहते हैं, तो सब जगह आपको रिक्वायर्ड होगी PAN की. तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि PAN ऑनलाइन अप्लाई आपको कैसे करना है, कैसे अपना PAN बनवाना है, कैसे आपके घर पे PAN आएगा. और उससे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपके इतने प्यार के लिए जो आपने हमें 1K के सब्सक्रिप्शन में पहुँचाया. हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं आपके सारे कमेंट्स. तो इस तरह से अपना प्यार बनाए रखें, हमें कमेंट्स करते रहें, अपनी क्वेरी पूछते रहें. तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू अप्लाई PAN. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि PAN है क्या एक्चुअल में. तो यहाँ पे इसको समझाने के लिए हमने ये PPT बनाई है. तो PAN इज परमानेंट अकाउंट नंबर. परमानेंट अकाउंट नंबर कुछ इस तरह का होगा, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है. सबसे ऊपर आपका नाम लिखा आएगा, उसके बाद आपके फादर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका PAN नंबर यहाँ पे मेंशन होगा. PAN नंबर के जो एब्रीवेशन है ये क्या क्या डिनोट करते हैं वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी. देन आपकी ID प्रूफ फोटो के लिए यूज हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह का आपका PAN कार्ड एक्चुअल में बन के आता है. तो ये आपका PAN इस तरीके का होता है. उसके बाद हम समझते हैं अगर एक PAN नंबर हमें दिया हुआ है या मिला हुआ है, उसके एब्रीवेशन जो वर्ड्स हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं, किस किस तरह से हम उन्हें रीड करेंगे, वो सारी चीजें. तो शुरू के 3 डिजिट्स जो हैं वो अल्फाबेटिकली हमारी सीरीज है. AAA से लेके ZZ तक कुछ भी हो सकती है, लाइक AAB हो सकता है, AAC हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स. एट द फोर्थ कैरेक्टर इज ये स्टेटस डिनोट करता है PAN होल्डर्स का. इफ पी इज देयर, अगर PAN नंबर में आपके पी लिखा हुआ है तो वो इंडिविजुअल का है, अगर एफ लिखा है तो फर्म्स का है, सी लिखा है तो कंपनी का है, एच लिखा है तो HUF का है, ए लिखा है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का है, और अगर टी लिखा है तो वो ट्रस्ट का है. उसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ कैरेक्टर की, तो फिफ्थ कैरेक्टर जो है वो हमारा जो PAN होल्डर है उसके सरनेम का पहला अक्षर होता है. लाइक किसी का नाम है राम कुमार तो कुमार का K होगा, अगर किसी का नाम है लाइक तुराब हैदर का H, हैदर का H लेंगे. ठीक है, उसके बाद जो 4 नंबरिकल सीरीज होती है ये 001 से लेके 99 तक कुछ भी हो सकती है आपकी. एट द लास्ट कैरेक्टर जो आपका लिखा है एक नंबर्स, ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एज अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक अल्फा, ये अल्फाबेटिकली चेक सीरीज है, ये A से Z तक कुछ भी आपका हो सकता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि PAN नंबर जो है वो यूज किस लिए होता है, व्हाई वी नीड PAN, PAN हमें क्यों रिक्वायर्ड है, एडवांस सेल्फ असेसमेंट टैक्स पढ़ने के लिए, 26AS टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स भरने के लिए, आपका गिफ्ट आपको अगर 50,000 रुपए से ऊपर का मिल रहा है उस रिगार्डिंग आपको, या फिर 50,000 रुपए से ज्यादा की आप बैंक में सेविंग में जमा करा रहे हैं तो आपको PAN रिक्वायर्ड होगा. अब मैंडेटरी कर दिया है कि PAN आपका जब आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो वो मैंडेटरी है. ये और कुछ चीजें लिखी हुई है मैंने यहाँ पे कि किस किस रिगार्डिंग आपको PAN की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको PAN की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. ठीक है, अब जब हम PAN की बात करें तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स की भी बात हमें करनी पड़ेगी. एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए अगर एक इंडियन सिटीजन है और वो PAN के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे 49A फॉर्म भरना पड़ेगा. अगर कोई फॉरेनर सिटीजन है और वो PAN के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे 49AA फॉर्म भरना पड़ेगा. तो ये हो गई फॉर्म्स की बात हमारे. उसके बाद फीस कितनी लगेगी, अब ये मैटर करता है. देखिए फीस है इसकी 110 रुपए की फीस है, उसमें 93 जो है वो एप्लीकेशन फीस है और 18% उसमें GST जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो लग रहा है. ठीक है, अगर हम बात करें फॉरनर सिटीजन के लिए आउटसाइड इंडिया से जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं PAN के लिए, उनके लिए 1,020 रुपए की चार्ज लगेगा, 1,020 रुपीज का. उसमें 771 यानी 771 रुपीज जो है वो हमारा डिस्पैच चार्ज जुड़ जाएगा एडिशनल. बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, 93 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स 18% उसमें चार्ज होगा हमारा. ठीक है, अब डॉक्यूमेंट अटेस्ट क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट अगर आप PAN बनवा रहे हैं अपना एक, तो उसके लिए क्या क्या आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है अपना, और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको क्या क्या देना मैंडेटरी है, उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं. एंड देन प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए इनमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं, लाइक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी फोटो अवेलेबल है उसमें आप वो ID प्रूफ के लिए लगा सकते हैं. अब एक कॉमन चीज लगा सकते हैं आप दोनों के लिए, ID प्रूफ के लिए भी और एड्रेस प्रूफ के लिए, वो है आपका आधार कार्ड. आधार कार्ड में आपका एड्रेस भी मेंशन होगा और आपकी फोटो भी लगी होती है, तो इसलिए आप आधार कार्ड को एज ए एड्रेस प्रूफ और एज ए
आप आइडेंटिटी प्रूफ भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इन दोनों में दो जो भी डॉक्यूमेंट सीरीज दी हुई है मैंने यहाँ पे, इनमें से आप कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक यूज कर सकते हैं, देन एड्रेस प्रूफ के लिए इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो कंपनी के लिए उसका सर्टिफिकेट लगेगा, लाइक जो भी रजिस्ट्रेशन आपने इशू करवाया है कंपनी रजिस्ट्रार से, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन लगेगा, प्रीमिसेस के डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी चीजें। देन फर्म के लिए भी सेम वैसे ही है, रजिस्ट्रार से जो फर्म का हमने एफिलेशन लिया हुआ है वो लगेगा, देन अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये ट्रस्ट की बात करें तो डीड होगी, उसमें चैरिटी चेयरमैन होंगे, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटीज वगैरह की, तो उसमें एग्रीमेंट की कॉपी लगेगी, सर्टिफिकेट्स की ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रार्ड ऑफिस से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो हमने रजिस्ट्रार्ड ऑफिस से रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है वो हमारा एक डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे अगर आप किसी फर्म, कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का करा रहे हैं। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट की बात हमारे। अब हम बात कर लेते हैं कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वेयर और कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब पेपरलेस ट्रांजेक्शन अब आ गई है, क्योंकि अब सारा पेपर बचाओ आंदोलन जैसे कि चल रहा है, तो आप बिना पेपर यूज किए भी अपना पेन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आधार अब आपके पास है, तो ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। अदरवाइज आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेंगे चालान, और उसके बाद आप उसे ऑफलाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑफलाइन की, तो आप टिन डैश नेचुरल की साइट से जाएंगे, 49A4 डाउनलोड कर लेंगे, देन उसको मैन्युअली मैन्युअली फिल करके टिन एफटी सेंटर जाके आपको सबमिट कराना पड़ेगा। काफी तामझाम वाला ट्रांजेक्शन है, तो सब कुछ जो है अब ऑनलाइन है, तो कोई भी जाना नहीं चाहेगा, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जाने के लिए आपको टिन डैश एसडीएल की साइट पे जाना है, वहां पे सर्विस में जाके पैन एप्लीकेशन पे ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक करना है। पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपकी न्यू पैन के लिए आपको चूज करना है, न्यू पैन इंडियन सिटीजन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 49A फॉर्म आपको लेना है। यहाँ पे कैटेगरीज चूज करनी है, इंडिविजुअल है या फिर कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ले लेंगे यहाँ पे हम। उसके बाद यहाँ पे टाइटल कुमार कुमारी जो भी है, देन यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ पे फर्स्ट नेम भरेंगे। अब देखिए बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी का सिर्फ फर्स्ट नेम ही है और उसका लास्ट नेम है ही नहीं, जैसे राम है, कुमार वुमार कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो वो हम लास्ट नेम में भरेंगे, क्योंकि लास्ट नेम हमारा मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर, देन ये कैप्शन कोड डालेंगे और सबमिट कराएंगे। सबमिट कराने के बाद आप इसको जैसे ही सबमिट कराएंगे, ये आप एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, टोकन नंबर आप नोट कर लेंगे अपना, बाकी नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपका वैसे भी आपकी मेल आईडी पे डाइवर्ट हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेस वन में गाइडेंस है, यहाँ पे कैसे कैसे आपको पैन फिल करना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे आपको पेपरलेस के, तो इनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। देन आगे चलते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे एरिया कोड, एओ टाइप, ए रेंज कोड और एओ नंबर, अगर ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इफ यू डोंट नॉट नो। देन यहाँ पे इंडियन सिटीजन चूज करेंगे, यहाँ पे स्टेट लेंगे, सिटी लेंगे, देन यहाँ से सर्कल वाइज आपका पूरा लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप अपना सर्कल चूज कर लेंगे, देन ये ऑटोमेटिकली आपका फिल हो जाएगा। इसको फिल करने के बाद आपका ये फिल हो गया, उसके बाद आप आ जाएंगे, अपने फोटो वगैरह की डिटेल देंगे, लास्ट नेम क्या है, फादर्स का फर्स्ट नेम क्या है, वो सारी चीजें देंगे, देन नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद रेजिडेंटल एड्रेस मांगेगा, रेजिडेंटल एड्रेस पे आप जाएंगे, देन ऑफिशियल एड्रेस अगर तो जहाँ पे आपको मंगवाना है वो आप यहाँ पे डालेंगे, रेजिडेंटल पे मंगवाना है या ऑफिशियल पे, आप दोनों में से कहीं पे भी मंगवा सकते हैं। नॉर्मली रेजिडेंट प्रूफ पे ही आप मंगवाते हैं, तो रेजिडेंट प्रूफ डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पे एड्रेस वगैरह फिल करेंगे जो आपके आधार कार्ड में दिया होगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ सोर्स ऑफ इनकम चूज करेंगे, आप सैलरीड पर्सन है, इनकम पर अगर स्टूडेंट्स वगैरह बनवाना चाहते हैं अपना पैन, या कोई माइनर है वो बनवाना चाहता है, तो फिर नो इनकम यहाँ पे चूज कर लेंगे वो, ठीक है। इस तरह से ये पूरा फॉर्म फिल हो गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या लगा रहे हैं, इन तीनों में आप मेरे हिसाब से आधार कार्ड लें, आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड, देन यहाँ पे आप चूज करेंगे नेहा जैन, देन हर सेल्फ हिम सेल्फ यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप न्यू दिल्ली एंड देन डेट सेलेक्ट करेंगे, देन सबमिट करेंगे। आप सबमिट करने के बाद इस तरह की ट्रांजेक्शन आएगी, उसके बाद आपको पैसे पूछेगा कितने चार्ज हो रहे हैं,
ठीक है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको दे देगा विद डिटेल्स, किस किस प्रोसेस पे आपके कितना कितना चार्ज कट रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कैसे भी यूज कर सकते हैं। देन इस तरह से आपको आपकी नेट बैंकिंग चूज करनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरा कार्ड था, देन उसको मैंने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद उसको पेमेंट प्रोसेस पूरा किया, एक क्लियरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा, उसके 15 डेज के अंदर अंदर आपका पैन भर के आपके एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोसीजर पूरा कि कैसे एक पैन को अप्लाई करना है आपको और कैसे आपको यूज करना है एक पैन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ये हमारी जो इनकम टैक्स की सीरीज चल रही है आप इसको एंजॉय करेंगे और इससे काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियोस, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल बटन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और मैं आपको जैसा भी पहले बताया, हमारी ये सीरीज चल रही है इनकम टैक्स की, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।